गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिटिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर में S9 से विज्ञान शिक्षण में Unit 4 में विज्ञान शिक्षण विधियों में प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है, प्रोजेक्ट मेथड विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी आपसी संबंध, सहयोग एवं क्रिया द्वारा सीखते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में विद्यार्थी कैसे सीखता है? प्रोजेक्ट मेथड में विद्यार्थी जो है आपसी सहयोग, क्रिया व संबंध द्वारा सीखता है। यह विधि शिक्षा दर्शन की, प्रायोजना विधि जो है शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजना विधि जो है शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा प्रयोजनवाद पर आधारित है। इस विधि के जन्मदाता W.S. Kilpatrick महोदय हैं। परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है? परियोजना विधि के जन्मदाता W.S. Kilpatrick महोदय हैं। परियोजना विधि को स्वयं किलपैट्रिक महोदय ने निम्नानुसार परिभाषित किया है। वो परिभाषा क्या है? परियोजना एक सहृदय स्वोद्देश्य कार्य विधि है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। परियोजना एक सहृदय स्वोद्देश्य कार्य विधि है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ एक सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या है? नंबर एक है वास्तविकता का सिद्धांत क्या है? इस विधि में जो कार्य विद्यार्थी करते हैं वह वास्तविक एवं स्वाभाविक रूप से किए जाते हैं। वास्तविकता का सिद्धांत है हमारा। इसी विधि में जो कार्य विद्यार्थी द्वारा किया जाता है या करते हैं वह वास्तविक परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से किए जाते हैं। दूसरा हमारा है अनुभव का सिद्धांत क्या है? विद्यार्थी जो है अपने अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अतः प्राप्त ज्ञान जो है अस्पष्ट व अस्थाई होता है। जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्पष्ट और अस्थाई होता है। तीसरा हमारा है स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है? इस विधि में विद्यार्थियों को क्रियाओं को चुनने की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है इस विधि में विद्यार्थियों को अपनी क्रियाएं होती हैं उनको चुनने की स्वतंत्रता होती है। अतः वे रुचि व उत्साह से कार्य, जिससे वह जब उनकी स्वतंत्रता होगी जिस कार्य में उनका मन लगेगा वही चुनेंगे और इससे जो है उनके उनमें जो है रुचि और उत्साह से वो कार्य करते हैं। वो चौथा हमारा है क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? इस विधि में सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अतः वे मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार से संस्कृत सक्रिय रहते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? इस विधि में सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिससे वे मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार से सक्रिय रहते हैं। पांचवा है हमारा उद्देश्य का सिद्धांत क्या है? विद्यार्थियों के सम्मुख जो कार्य हमारा होता है उससे संबंधित अस्पष्ट लक्ष्य होने के कारण वे स्वोद्देश्य कार्य करते हैं। जब उनके सामने जो है अस्पष्ट लक्ष्य होगा क्या हमारा लक्ष्य है तो वह स्वोद्देश्य कार्य करते हैं और दिशा भ्रमित नहीं होते हैं इससे समय व शक्ति का अपव्यय नहीं होता है। इससे क्या होता है? समय और शक्ति का अपव्यय
नहीं होता है। छठा हमारा है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत क्या है? व्यवहारिक एवं उपयोगी। उपयोगिता का सिद्धांत क्या है? व्यवहारिक एवं उपयोगी होने के कारण, व्यवहारिक एवं उपयोगी होने के कारण विद्यार्थी रुचिपूर्वक कार्य करते हैं। व्यवहारिक एवं उपयोगी होने के कारण विद्यार्थी रुचिपूर्वक कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ, और जो है एक दूसरे के साथ जो है सहयोग की भावना से कार्य करते हैं, जिससे उनमें सामाजिक या सामाजिकता की भावना का विकास होता है। इससे उनमें क्या होता है? सामाजिकता की भावना का विकास होता है। उसके बाद हमारा है परियोजनाविद के सोपान क्या क्या हैं। नंबर एक, परियोजना का चुनाव। परियोजना का चुनाव हम क्या कैसे करेंगे? उसमें शिक्षक की सहायता से, शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी कई प्रकार की समस्याओं पर विचार करते हैं। शिक्षक की सहायता से जो है विद्यार्थी जो है अपनी कई प्रकार की समस्याओं पर विचार करते हैं और समस्या चयन के लिए शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, समस्या चयन के लिए शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को सहयोग करते हैं। समस्या का चयन जब करना होता है, शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों का सहयोग करते हैं। योजना का चयन, योजना का चयन विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमता के आधार पर करना चाहिए। योजना का चयन होता है वो विद्यार्थियों की रुचि और उनकी क्षमता क्या है उसके आधार पर करना चाहिए। इसके पश्चात उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। जब उनकी क्षमता के अनुसार जो है योजना का चयन हो जाएगा तो इसके पश्चात हम जो है उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिनमें विद्यार्थी अपनी कार्य योजना, जिनमें विद्यार्थी अपनी कार्य योजना भली भांति बना सके, जिसमें जो है विद्यार्थी अपनी कार्य योजना को भली भांति बना सके। दूसरा हमारा है परियोजना का नियोजन। दूसरा है परियोजना का नियोजन। इसमें क्या है? परियोजना कार्य आरंभ करने के पूर्व, परियोजना कार्य जो है हमारा उसको आरंभ करने से पूर्व शिक्षक को चर्चा के माध्यम से, शिक्षक को जो है चर्चा के माध्यम से परियोजना के विभिन्न पक्षों से, परियोजना के जो विभिन्न पक्ष होते हैं उससे संबंधित तथ्य, सिद्धांत, अनुभवों को पाठ्य वस्तु के संदर्भ में स्पष्ट करना होता है। अनुभवों को जो पाठ्य वस्तु के संदर्भ में स्पष्ट करना होता है ताकि उसी आधार पर दायित्वों का विभाजन किया जा सके। तीसरा हमारा है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन क्या है? परियोजना के क्रियान्वयन की सफलता के लिए, प्रत्येक छात्र की जो योग्यता होती है, रुचि एवं क्षमता के अनुसार उसे दायित्व दिया जाना चाहिए। रुचि एवं उसकी क्षमता क्या है उस आधार पर उसको दायित्व दिया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट हमारा है परियोजना का मूल्यांकन क्या है? परियोजना के मूल्यांकन के दौरान शिक्षक को प्रत्येक पहलू पर ध्यान रखना चाहिए ताकि वह समय समय पर जो है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देता रहे। हर सोपान पर विद्यार्थी के कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। प्रत्येक सोपान पर जो है विद्यार्थी के कार्य क्या हैं उसका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है ताकि किसी त्रुटि को समय रहते जो है सुधारा जा सके। विद्यार्थी को भी अपने कार्य की समालोचना करते रहना चाहिए। एक विद्यार्थी को भी अपने कार्य का, उसका जो कार्य है उसकी जो है समालोचना करते रहना चाहिए ताकि वह स्वमूल्यांकन द्वारा अपनी असफलताएं जो होती हैं उसको जान सके और सफलताएं क्या प्राप्त करता है उसको जान सके और इसके द्वारा जो है असफलताओं के कारण वह गलतियों को जानते हैं के द्वारा जो है अपनी असफलताओं के कारण वह गलतियों को जानते हैं। पांचवा हमारा है अभिलेखीकरण। अभिलेखीकरण क्या है? विद्यार्थियों को जो दायित्व सौंपे गए हैं उसके अनुसार जो है प्रत्येक विद्यार्थी को अपने द्वारा किए गए कार्य, विद्यार्थी को जो दायित्व सौंपे गए हैं
प्रत्येक विद्यार्थी को अपने द्वारा किए गए कार्य का लिखित विवरण रखना होता है। अब लेखीकरण में क्या करना होता है, प्रत्येक छात्र को जो उसके द्वारा किया गया है उसका एक लिखित विवरण अपने पास रखना होता है, और संपूर्ण विवरण का जो संपूर्ण विवरण होता है उसका शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इसमें गतिविधि हम क्या कर सकते हैं, परियोजना विधि का प्रयोग, एक्वेरियम का निर्माण करना। जैसे गतिविधि में क्या है, परियोजना का चुनाव विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षक द्वारा जो है एक्वेरियम निर्माण किया जाना, कथन के द्वारा समस्या को प्रस्तुत किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, परियोजना का चुनाव में विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षक द्वारा एक्वेरियम निर्माण किया जाना है और कथन के द्वारा समस्या को प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा हमारा है परियोजना का नियोजन, शिक्षक एक्वेरियम के संबंध, शिक्षक जो है एक्वेरियम के संबंध विद्यार्थियों के जो पूर्व अनुभव हैं के आधार पर चर्चा करेगा, एवं उन्हें संबंधित तथ्यों की जानकारी प्रदान करेंगे। तीसरा है हमारा परियोजना क्रियान्वयन के पूर्व विद्यार्थियों में कार्यों का विभाजन। विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार, विद्यार्थियों की जो रुचि है उनकी क्षमता के अनुसार निम्नानुसार 6 समूहों में विभाजित किया जाएगा। ये समूह आवश्यक सामग्रियों का एकत्रीकरण कर एक्वेरियम का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों के जो समूह होते हैं, समूह के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाएंगे, कार्य क्या क्या है, समूह क्रम एक के द्वारा जो है कांच के एक बाक्स को लाकर उसमें तालाब की मिट्टी की तह डालेगा। उसमें क्या डालेगा, समूह क्रम एक कांच के एक बाक्स को लाकर उसमें तालाब की मिट्टी की तह डालेगा। समूह क्रम दो क्या करेगा, यह समूह बालू एकत्र कर कांच के बाक्स में मिट्टी के ऊपर बालू की तह लगाएगा। क्या लगाएगा, यह समूह बालू एकत्र करके कांच के बाक्स में मिट्टी के ऊपर बालू की तह लगाएगा। और समूह क्रम जो है तीसरा क्या करेगा, समूह क्रम तीन जो है यह समूह जल लाकर बाक्स में भरेगा। और समूह क्रम चार, यह समूह पानी के उगने वाले जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला को तालाब से लाकर जल में डालेगा। पांचवा क्रम क्या करेगा, इस समूह द्वारा छोटी मछलियां एवं मछली के अंडे जल से भरे कांच के बाक्स में डाले जाएंगे। और छठा क्रम हमारा समूह क्या करेगा, इस समूह द्वारा मछली के आहार हेतु निर्धारित खाद्य पदार्थ जो है वह डाले जाएंगे। अब परियोजना का फिर हम मूल्यांकन करेंगे, उसमें क्या है, एक्वेरियम बनने के बाद उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के संरक्षण एवं भरण पोषण संबंधी सभी कार्य ये विभिन्न छात्र समूहों द्वारा बारी बारी से किया जाएगा। ये शिक्षक इस कार्य की निगरानी और मूल्यांकन कर, शिक्षक क्या करेगा इस कार्य की निगरानी। परियोजना विधि के गुण क्या है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा गुण है परियोजना विधि का, इस विधि द्वारा अधिगम का स्थायीकरण होता है। तीसरा है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु उपयुक्त विधि है। परियोजना विधि जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु जो है ये उपयुक्त विधि है। चौथा पॉइंट हमारा विद्यार्थियों में कार्य करने में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। परियोजना विधि द्वारा विद्यार्थी जब कार्य करेगा तब उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पांचवा पॉइंट है सामाजिकता की भावना जो होती है उसका विद्यार्थियों में विकास होता है। छठा पॉइंट हमारा है
पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि होती है, पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके बाद है परियोजना विधि के दोष क्या क्या हैं। नंबर एक, यह खर्चीली विधि है, यह जो है परियोजना विधि जो है अधिक खर्चीली विधि है। दूसरा दोष है इसका, इस विधि में समय अधिक लगता है, परियोजना विधि में समय अधिक लगता है। तीसरा हमारा है अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है इस विधि द्वारा गहन अध्ययन संभव नहीं है, परियोजना विधि द्वारा गहन अध्ययन संभव नहीं है। पांचवा हमारा है व्यवहारिक न होने के कारण यह विधि अधिक प्रचलन में नहीं है, यह विधि व्यवहारिक न होने के कारण अधिक प्रचलन में नहीं है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अगले लेक्चर में अपने अगले शिक्षण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।